नमस्कार मित्रों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, स्वप्न फल सीरीज में आइए सपनों की बात करते हैं। मित्रों, सपने देखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मित्रों, सपने आते रहते हैं। रात में जब हम सोते हैं तो अनेकों प्रकार के सपने आते हैं, लेकिन कुछ ही सपनों का अर्थ होता है जो ब्रह्म मुहूर्त पे सुबह के समय सपने हम देखते हैं। मित्रों, उस समय के सपने भविष्य में आने वाली घटनाओं का हमें संकेत देते हैं। मित्रों, वो शुभ हों चाहे अशुभ हों। स्वप्न शास्त्र जो है समुद्र शास्त्र की एक शाखा है। मित्रों, स्वप्न शास्त्र में सपनों का अर्थ होता है, मित्रों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सपने देख रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। मित्रों, तो आइए एक सपने की बात करते हैं। मित्रों, सपने में कभी कभी हम लोग चावल को देखते हैं। चावल खाने वाला कैसा होता है? मित्रों, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। उससे पहले लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें मित्रों, और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका धन्यवाद। मित्रों, तो आइए जानते हैं कि सपने में चावल देखना कैसा होता है। मित्रों, तो मित्रों ये एक बहुत ही शुभ सपना होता है, अच्छा सपना होता है। मित्रों, ये अगर आपने सपने में चावल देखा है तो इसका मतलब आप निश्चिंत हो जाएं, आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। मित्रों, ये संकेत देता है सपना, भविष्य में आपके पास धन की प्राप्ति होगी। मित्रों, आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाएगी। मित्रों, तो मित्रों अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों,